बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है स्विमिंग पूल का। कह रहे स्विमिंग पूल 10 मीटर वेथ एंड 14 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर डीप, शेलो साइड 4 मीटर डीप, डेप्थ साइड ऑफ वॉल्यूम निकालनी है। देखिए ऐसा होता है अक्सर, आप एक शेलो साइड होती है जो कम गहरी होगी, एक ज़्यादा गहरी होगी, ठीक है। तो आपको टोटल वॉल्यूम निकालनी है। अब देखिए लेंथ इसमें जो दी हुई है आपको विद 10 और विद 14, अच्छा होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विद मल्टीप्लाई बाय डीप, लेकिन डीप 2 धीमी है तो इनका एवरेज निकलेगा, यानी 1 + 4/2। तो ये 14, ये 10, ये 5/2 कट गया, 7 × 5 = 35, 10 से मल्टीप्लाई कर दें 3 = 50। और सेम सवाल आया था एग्जाम में, बस उन्होंने क्या कर दिया था, विथ 9 कर दी थी, लेंथ 12 और ये 3 था ये 1 था, तो 3 1/2 कर लेंगे × 12 × 9, ठीक है ठीक, ये 2 आ गया, 9 × 2 = 18, 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें 216, ये इसका आंसर है। सवाल है, एक गिरासी फील्ड हैज शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 मीटर, ए हॉर्स इज टाइड टू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस विद रोप ऑफ लेंथ 4.2 मीटर, द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड विच इज अवेलेबल फॉर ग्रेसिंग इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय, परसेंट पूछी है। सो मेरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लें सारा, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 4 से डिवाइड किया 9√3। अब √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 9 से मल्टीप्लाई करें अराउंड 15.57 हो जाएगा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा होता है 60 डिग्री, और यहाँ जो बात हो रही है हॉट टाइट ऑफ इट्स वर्टिसेस विद रोप ऑफ लेंथ, जब भी रोप ऑफ लेंथ की बात होगी तो थीटा × 360 पाई आर स्क्वायर होगा, थीटा 60 है, 360 से डिवाइड कर दें, पाई की वैल्यू 22/7। अब आर कितना है आपका 4.2 का स्क्वायर चाहे तो ले लें, या फिर 4.2 को 42/10 बना के इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे अराउंड वैल्यू आ जाएगी 9.24। अब ये 9.24 ओरिजिनल कितनी थी 15.57, 9.24 डिवाइड बाय 15.57 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस 10 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। देखिए ये जो है ना बेसिकली शॉर्टकट फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, कब, जब एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ। अब एक्सटर्नल डायमीटर 10 है, 2 से डिवाइड कर दें रेडियस 5 आ जाएगा, इंटरनल डायमीटर 8 है, 2 से डिवाइड कर दें 4 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से पाई कॉमन ले लें, 3r² + r², अब जब ये आर स्क्वायर है 4² = 16, 5² = 25, 25 × 3 = 75, 75 + 16 = 91, 91 को 7 से डिवाइड किया 13 × 22 = 286, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखें असल वही आप स्टेप करें ना, 91 को 7 से डिवाइड कर लें 13 आ गया, 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर लें, और चूँकि एरिया की बात है इसलिए यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब होता है।